गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। इंतजार खत्म हुआ और मध्यकालीन भारत के इतिहास में लंबे समय के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं मुगल काल को। इसके पहले हमने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो हिस्सों में बांटकर बताया था। एक था पूर्व मध्यकालीन, जिस पर कक्षाओं को हम प्राचीन भारत के इतिहास के समापन के बाद लेंगे, और हमने स्टार्ट किया था मध्यकाल का वो हिस्सा जो 1192 से शुरू होता है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार और भारत में एक अन्य शासक की स्थापना, एक विदेशी शासक की स्थापना, फिर उनके गुलामों के द्वारा एक तरीके से गुलाम वंश चलाया जाता है और फिर लगातार नए वंश आते रहते हैं। हमने अपनी अंतिम कक्षा में देखा था कि इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल में अंतिम रूप से शासनकर्ता के रूप में रहते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई में हारते हैं और शुरुआत होती है दिल्ली के शासन पर मुगल वंश की। यहां पर दो बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आखिर दिल्ली सल्तनत काल में भी तो कई सारे वंश अलग अलग आते गए, तो फिर दिल्ली सल्तनत काल को इतिहासकारों ने मुगल काल से अलग क्यों रखा? क्यों इतिहासकार दिल्ली सल्तनत काल के वंशों का पूरी तरह से अलग अध्ययन कर रहे हैं और मुगल काल का एक पूरी तरह से अलग वर्गीकरण और एक तरीके से अलग अध्ययन किया जा रहा है? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताते चलूंगा और आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करिएगा कि आखिर दिल्ली सल्तनत काल को मुगल काल से इतिहासकारों ने अलग क्यों किया होगा। क्या कारण रहे होंगे कि मुगल काल को हम अलग से मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ रहे होते हैं? शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की बिना किसी देरी के। तो आइए शुरुआत करते हैं और कमेंट्स केवल वही चीजों का करिएगा जो सवाल मैं आपसे पूछूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के लगातार समर्थन के साथ हम नंबर एक पर बने हुए हैं। अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर वैसे तो नोबेल पुरस्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे लिए 10 दिसंबर का एक अलग इंपॉर्टेंस है कि आज अनएकेडमी की स्थापना को कंप्लीट 6 ईयर हो चुके हैं। अनएकेडमी अपने 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, तो आपके पास इसी दिन का सुनहरा मौका है कि आप एक दिन के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें 6 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ एनुअल प्राइस इंक्रीज हो रहा है कंप्लीट प्री मतलब जीएस और मेंस में, या केवल जीएस के कोर्सेज में भी आप देख सकते हैं प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आप उससे पहले अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर सकते हैं। संडे के दिन आप 11 बजे इस टेस्ट को जरूर दिया करिए। यदि आपका टारगेट स्कॉलरशिप जीतने का ना भी हो तो संडे के दिन 1 घंटा जरूर इस पर बिताइए, क्योंकि इसी बहाने आपका एक टेस्ट हो जाता है। आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, दुनिया का स्तर क्या है। लगभग 8 से 10 हजार विद्यार्थी होते हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत टेस्ट होता है। संडे के दिन इस टेस्ट को देने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, केवल एक रेफर कोड MKLive यूज करना है। फ्री टेस्ट सीरीज के भी ऑप्शन आपके पास है, लोन की भी सुविधा आपको मिलती है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरिंग से लेकर स्टडी प्लानर, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है। 15 दिसंबर से नए बैच बन रहे हैं। आइकॉनिक में पर्सनल कोच और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का अतिरिक्त ऑप्शन होता है। ऑप्शनल के लिए भी आप लोग अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 फरवरी से हम लेकर आ रहे हैं हमारा टारगेट प्रीलिम्स बैच 2022 के लिए,
और कंप्लीट बैंकिंग बैक टू बैक क्लासेस कल सैटरडे के दिन हमने रखी है। कल सैटरडे 5 क्लास रहेगी 9 बजे। मैं कल का शेड्यूल बता दूं आपको, 9 बजे हमारी क्लास होगी सीसेट की। सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है स्पेशल क्लास के रूप में, क्योंकि उसमें एड नहीं आते। आजकल YouTube में एड बहुत आने लग गए हैं, इसलिए थोड़ा मैं चाहता हूँ स्पेशल क्लास पर आप आए। तो 9 बजे सीसेट की क्लास स्टार्ट होगी, 12 बजे बैंकिंग मैराथन में पहला पार्ट होगा, बैंकिंग मैराथन फर्स्ट पार्ट रहेगा। फिर 3 बजे सेकंड पार्ट रहेगा, फिर 6 बजे थर्ड पार्ट रहेगा। तो ये मान के चलिएगा कि आपके पास बेहतरीन चांस है पूरी तरह से अपने बैंकिंग को कवर करने का, और 9:30 बजे नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर हम चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। तो बैक टू बैक कंप्लीट बैंकिंग का कल सेशन है, आप लोग भी पूरा सैटरडे हमें डेडिकेट करते हुए इस चीजों को कवर करते चलिएगा। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं मुगल काल को। आज हम कवर करेंगे, मुगल काल एक दिन में खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है, क्योंकि मुगल काल में अभी तो बाबर की बातचीत होगी, बाबर के बाद हुमायूं आएंगे, हुमायूं के बाद अकबर आएंगे, और क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड भारत में काफी लंबे समय के बाद फिर से एक बेहतरीन सम्राट का उदय है, तो अकबर के बाद फिर जहांगीर जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, फिर औरंगजेब का टाइम पीरियड आएगा, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो वो मुगल शक्ति के कमजोरी के क्या कारण रहे, फिर मराठा काल को हम पढ़ लेंगे, उसी में पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वहां के शासक ने, नवाब ने अपने आप को संप्रभु डिक्लेयर कर दिया, तो उन चीजों को समझते हुए 1757 के प्लासी की लड़ाई तक पहुंचेंगे। प्लासी की लड़ाई से लेकर आगे का पूरा 1947 तक का जीवन हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, तो इतिहास में ये कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। तो मध्यकालीन 1192 से लेकर 1947 तक के इतिहास का प्रत्येक पहलू YouTube पर आप हमारे माध्यम से जान सकते हैं। आज हम बातचीत जो करने वाले हैं मुगल काल के विषय में, एक पहली कक्षा है मुगल काल में, हम बाबर के पूरे शासन काल को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से युद्ध बाबर के टाइम पीरियड में हुए थे। फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास पढ़ाते समय कई बार तथ्य हो सकता है कि हमारी गलती से इस ओर से उस ओर हो जाए, या कई बार मेरी विचारधारा इतिहास के उन आयामों को वास्तविक रूप ना दे पाए जो उसका उस समय आयाम रहा होगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो भी इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करूं, उस इतिहास में आपको एक शुद्धता और क्लैरिटी देते चलूं, जहां पर आपको पता चले कि उस दौर में क्या हुआ होगा। तो आज की टाइम मशीन में हमें कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना है, आज की टाइम मशीन हमें केवल और केवल 500-600 साल पुरानी बातों को समझाने की कोशिश करेगी। आज की टाइम मशीन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम लोदी के बाद किस तरीके से बाबर का आक्रमण भारत पर होता है, और बाबर किस प्रकार से भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत काल एक अलग यूनिट क्यों है, और मुगल काल को इतिहासकार एक अलग इकाई के रूप में अध्ययन क्यों करते होंगे। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि, इब्राहिम लोदी के दौर का टाइम पीरियड और मुगलों के आक्रमण की शुरुआत। फिर उसी दौर में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो मुगल कौन थे और कहां से आए थे, मतलब मुगल वास्तविक रूप में कहां से आए हैं। दिल्ली सल्तनत काल की समाप्ति क्यों मानी जाती है, दिल्ली सल्तनत काल के बजाय मुगल नामकरण क्यों, मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल काल के प्रमुख शासक कौन थे, मुगल काल की प्रमुख आर्थिक नीतियां क्या थी। वास्तविक रूप में ये मुगल काल की कहने की जगह मैं कहना चाहूंगा कि बाबर के मुगल काल की प्रमुख राजनीतिक नीतियां, मुगल काल में भारतीय समाज, मुगल काल में धार्मिक स्थिति, मुगल कालीन सांस्कृतिक और विरासत क्या थी, मुगल काल से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य, साथ ही साथ हमारी टीम के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न। तो शुरुआत करें आज का मुगल काल मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो बातचीत है, पहले कुछ पृष्ठभूमि पर आते हैं।
जैसे मैंने आपसे कहा है और इसके पहले भी समझाया है कई बार, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास वास्तविक रूप में तीन भागों में बांटा जाता है। पहला, जिस इतिहास के बारे में कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं, ना किसी प्रकार के सबूत है, केवल उसके बारे में कल्पनाएं मात्र विद्यमान है, ऐसे इतिहास को हम हमेशा ही प्रागैतिहासिक या प्रोगैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। जैसे भारत के इतिहास में पाषाण काल जब हम पढ़ते हैं तो वास्तविक रूप में कोई प्रमाण, कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम चीज़ों को जोड़ सके और उस समय की सभी परिस्थितियों का एक बेहतर विवरण प्रस्तुत कर सके। आंशिक रूप से जानकारियां हैं। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐसा काल जहां हमारे पास साक्ष्य हैं, हमारे पास जानकारियां हैं, हमारे पास उस इतिहास के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की चीजों को समझने योग्य सबूत है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी भाषा अज्ञात है। इतिहास में तीसरा होता है ऐतिहासिक, वो समय पीरियड जहां पर आपके पास इतिहास के न केवल साक्ष्य मिलते हैं बल्कि आप उस भाषा को समझ चुके हैं, हम उस भाषा को जान चुके हैं। यहां मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आज कोई चीज हो सकता है कि आद्य ऐतिहासिक हो पर हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद ये ऐतिहासिक बन जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम उसके बारे में, उसकी लिपि के बारे में, उसकी भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले। हो सकता है कि आज जो इतिहास आपको प्रागैतिहासिक काल लग रहा है, हो सकता है वो आद्य ऐतिहासिक में चला जाए क्योंकि उसके बारे में खोज हो जाए आने वाले 50 सालों में, हमें और जानकारियां मिल जाए, हम उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को भलीभांति समझने लग जाए। तो ये समय के साथ है, जैसे एक अर्थव्यवस्था में पहले अल्प विकसित होती है, फिर विकासशील होती है, फिर विकसित होती है, इतिहास भी कुछ ऐसे ही विकसित होता है। पहले तो वह प्रागैतिहासिक हो जाता है जब खोज होती है, जब उसके बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण सामने आता है तो वह आद्य ऐतिहासिक बन जाता है, और जब हम उसके बारे में सब कुछ जानने का दावा कर सकते हैं हम उसे कह सकते हैं कि वह ऐतिहासिक बन जाता है। तो हम जिस समय पीरियड की बात कर रहे हैं वो प्राचीन काल के भारत का इतिहास हो या मध्यकाल के भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, वो सब कुछ ऐतिहासिक में रखा जाएगा। केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल, इनको भारत के इतिहास में हम इन दो हिस्सों में डालते हैं, बाकी इन दोनों को छोड़कर जितनी भी बातें हम करेंगे वो सब कुछ ऐतिहासिक में कहलाएगी। फिर इस ऐतिहासिक को हमने तीन भागों में बांटा कि वो प्राचीन काल था, मध्यकाल था या आधुनिक काल था। इतिहासकार ये वर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आसानी से चीजों को समझ सके। इसको ऐसे उदाहरण के रूप में समझना, एक मेडिकल की शॉप है और उस मेडिकल की शॉप पर दवाइयों का वर्गीकरण सही तरीके का नहीं है। कोई व्यक्ति इमरजेंसी में मेडिकल पर पहुंचे और वो मांगे कि मुझे ये दवाई चाहिए, तो शायद उस दुकानदार को उस दवाई को खोजने में अधिक समय लगेगा, तब तक व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वर्गीकरण चीजों को सरल कर देता है, आसान कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक रूप में इसलिए वर्गीकरण किया होगा ताकि वह समझा सके कि उस दौर में कई सारी बातें एक जैसी हैं, लेकिन जब बातों में परिवर्तन होने लगा तो एक नए युग का शुभारंभ होता है, और इसीलिए इतिहासकारों ने एक अध्ययन को सरल करने के दृष्टिकोण से इन्हें बांटा होगा। मैंने आपको मध्यकाल के रीजन के बारे में समझाया था कि मध्यकाल का नाम इसलिए मध्यकाल रखा जाता है क्योंकि इस दौरान में हमें एक ऐसा शासक मिलता है जो भारतीय मूल का नहीं था, एक तरीके से विदेशी आक्रमण और विदेशी साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर हमने आधुनिक काल के रूप में आधुनिक काल इसलिए नाम रख दिया, वैसे आधुनिकता तो 1% भी नहीं थी भारत में उस दौर में, हम बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हम आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए मानते हैं क्योंकि यूरोप में आधुनिक काल में हुए वैज्ञानिक परिवर्तन
धीमे धीमे भारत तक पहुंचने शुरू हुए थे, तो क्यों ना भारत के भी उस इतिहास को एक अलग रूप में समझा जाए। तो जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं उस काल के नामकरण के पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो मध्यकाल की है और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने 712 से लेकर 1757 तक बांटा है। लगभग 1000 वर्ष का ये इतिहास है। आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि सर 712 ईस्वी को ही क्यों? तो उसका जवाब ये है कि पहली बार 712 ईस्वी में एक विदेशी साम्राज्य भारत के ऊपर आक्रमण करता है, विजयी होता है, लूटपाट करता है, चला जाता है। इसके पहले कभी कोई विदेशी सफल नहीं हो पाया। इसी कारण से 712 ईस्वी एक महत्वपूर्ण समय बन जाता है। 1757 तक ही क्यों? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और पहली बार हम देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक यूरोपियन कंपनी है, वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन प्रारंभ करती है। जहां पर मध्यकालीन इतिहास में जब हम शुरुआत करते हैं तो वह भारत के पश्चिमी भाग से भारत की ओर आगे बढ़ते हैं। वह भारत में गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, वर्तमान का पाकिस्तान का सिंध प्रांत हुआ, उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में करते हुए धीमे धीमे भारत की ओर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान के भारत की ओर। और वही 1757 में जहां पर हम प्लासी की लड़ाई को देखते हैं तो बंगाल से शुरू होता है, भारत के पूर्वी छोर को शुरू करते हैं वे लोग, और पूर्वी छोर को पकड़ते हुए चेन्नई मतलब उस जमाने के मद्रास को कब्जे में करते हैं, मुंबई को कब्जे में करते हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान सिंध प्रांत को अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। तो जहां आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के पूर्वी छोर से चीजें चलती हुई पश्चिम तक जाएगी, वही मध्यकाल के भारत के इतिहास में पश्चिमी छोर से चलते हुए चीजें दक्षिण तक पहुंचना शुरू होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो मध्यकाल के भारत को हमने दो भागों में बांटा था, 712 से लेकर 1192 तक, क्योंकि इस दौरान कोई भी विदेशी आक्रामक आक्रमण करने आता है, भारत को लूटता है, लेकिन वो भारत की जमीन पर अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करता, वो उसे अपने शासन के अधीन नहीं मानता, फिर चला जाता है। फिर एक तरीके से भारत के लोग, भारत के शासक शासन करने लग जाते हैं। लेकिन 1192 के बाद एक नया घटनाक्रम शुरू होता है जिसे हम उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, क्योंकि उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में कोई विदेशी आक्रामक न केवल भारत को लूटता है बल्कि वह भारत में अपना साम्राज्य बना लेता है। वो भारत को अब अपने साम्राज्य का हिस्सा मानने लग जाता है और धीमे धीमे उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली वह केंद्र बन जाता है जहां से वह पूरे भारत पर शासन को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के युद्ध और अलग अलग युद्ध नीतियों का निर्माण करता है। तो उत्तर मध्यकालीन भारत के दौर में अब है हम, तो हम पढ़ने जा रहे उत्तर मध्यकालीन इतिहास। उत्तर मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, एक है दिल्ली सल्तनत काल जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है और दूसरा है मुगल काल जिसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाएगा, एक दिल्ली सल्तनत काल के रूप में बांटा जाएगा और एक मुगल काल के रूप में। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश आते हैं जिनके बारे में हमने काफी विस्तार पूर्वक आप लोगों के साथ चर्चाएं की थी, जिसमें अंतिम जो वंश है वह मुगलों के द्वारा हारता है और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। इस दिल्ली सल्तनत काल के जो 5 वंश हमने देखे थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी इनका अंतिम वंश होता है जो पानीपत की पहली लड़ाई में हारते हैं। पानीपत का नाम थोड़ा सा याद रखना, वैसे हरियाणा में कई सारे युद्ध क्षेत्र ऑलरेडी बहुत जाने माने रहे हैं। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि महाभारत में भी जो युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, जो पानीपत का ही कहीं ना कहीं हिस्सा माना, अपने हरियाणा का ही हिस्सा माना जाता है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उस दौर में वो क्षेत्र काफी बड़ा और विस्तारपूर्ण रहा हो, बाद में उसी में से फिर तराइन वाले क्षेत्र अलग हो गए हो, हो सकता है कि उसी में कुछ हिस्सा निचला जो बच गया होगा वो पानीपत वाला बन गया हो सकता है, मेरी कल्पना है बस।
तो पांच वंश हमने देखे थे दिल्ली सल्तनत काल में। अब हम जो करने जा रहे हैं शुरुआत, वो है मुगल शासक की। मुगल शासकों में वंश तो मुगल ही रहेगा, एक ही वंश है जिनको हमें पढ़ना है, लेकिन उस वंश में काफी लंबे समय तक शासन किया। हम सबसे पहले बाबर को पढ़ेंगे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां को हम कह सकते हैं कि जहांगीर और शाहजहां, उतना ज्यादा इनका ऐतिहासिक बदलाव नहीं मिलेगा, शांति प्रिय रूप में देख सकते हैं। फिर औरंगजेब, थोड़ा सा बड़े परिवर्तन। फिर आने वाले मुगल शासक जो कि एक कमजोर केंद्रीय सत्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमें मुगल शासकों के रूप में इतनी चीजों को कवर करना है, जिसे 1857 तक भी हम कह सकते हैं। और 1857 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को एक तरीके से पुनः सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन वो हारे और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है और उसके साथ ही मुगल पूरी तरह से समाप्त होते हैं। तो ये लड़ाई जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, 1526 का टाइम पीरियड रहेगा, वहां से शुरुआत होगी और 1857 नहीं, हम 1757 तक इस पूरे युद्ध को लेकर आएंगे, क्योंकि 1757 से लेकर 1857 तक की जो भी कहानी है हम आपके सामने विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हम इस पूरे के पूरे समय पीरियड को कह सकते हैं कि 1526 से लेकर 1757, जिसे देखने में ऐसा लगेगा आप लोगों को कि इतना कुछ बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन इस दौरान होने वाले बदलाव हमें उस इतिहास के महत्व को पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि पर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक कहानी बन गई होगी। अब शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि के। ये जो मैप आप देख रहे हैं उज्बेकिस्तान वर्तमान में, तो ये जो दक्षिणी उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, यहीं पर बाबर का साम्राज्य था, इसी क्षेत्र के आसपास उनका अपना एक तरीके से घरेलू क्षेत्र था, जहां पर वो अपने अधिपत्य के लिए लड़ रहे थे लेकिन जीत नहीं सके कभी अपने क्षेत्र को। तो एक चीज यहां पर देखने जैसी रहेगी, पूर्व मध्यकाल में मध्य एशिया में दो महान जातियों के रूप में मंगल और तुर्कों का उत्कर्ष हुआ। अब थोड़ा कहानी को समझिएगा, आप मेरे साथ टाइम मशीन में बैठे हैं, यान में आपने बेल्ट बांध लिए हैं, अब मैं आपको उस यान में ही कुछ चीजें बताते चल रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उस दौर में जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं, दो जातियां उस दौर में सबसे ज्यादा लड़ाकू के रूप में जानी जाती थी मध्य एशिया में। भारत तो राजपूतों से और कई प्रकार के सम्राटों से भरा पड़ा था। भारत के क्षेत्र के अलावा मध्य एशिया में मंगोल और तुर्क महत्वपूर्ण लड़ाकू प्रजातियों के रूप में पहचानी जा रही थी। तो यही दो लोग थे जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग क्षेत्र में आक्रमणकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये जो दिल्ली सल्तनत काल होता है ना, ये मुख्य रूप से तुर्की लोग थे, मैक्सिमम उस वंश के अधिकतर तुर्की जाति से जुड़े हुए थे या तुर्की जाति से बिलोंग करते थे। पर उसके बाद जो नया शासक आ रहे हैं, जिन्हें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मंगोल, मंगोलिया आपने देखा होगा, भले ही आज मंगोलिया का इतना महत्व विश्व भर में नहीं है, लेकिन मंगोल जो इतिहास आज अपना पढ़ते होंगे तो उनको बड़ा गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि हमने एक जमाने में हमारे यहां के चंगेज खान ने क्या नहीं किया था। तो ये जो मुगल वंश है, वास्तविक रूप में आप अगर देखेंगे तो ये तुर्की ही थे, यह तुर्की ही थे, पर इनके पिता तुर्की और माता मंगोली थी। तो वास्तविक रूप में ये माना जाता है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार ये मानते हैं कि इनको अलग से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने चंगेज खान जैसे एक, हम कह सकते हैं कि उस जाति को ज्यादा श्रेष्ठ माना तुर्कों की तुलना में, और इसलिए इन लोगों ने अपने आप को तुर्की कहने की जगह पर मंगोली कहा। तो इसी को, मंगोली को बाद में उनकी भाषा में शब्दावली बदलाव के साथ मुगल के रूप में बदला गया। तो ये एक्चुअल में मंगोली थे जो मुगल के रूप में जाने जाते हैं।
पर ये मिश्रित है अभियान, इन्हें शुद्ध रूप से आप मंगोल या फिर हम कहेंगे कि मनुष्य की उस प्रजाति के रूप में नहीं रख सकते जो वर्तमान में मंगोल में मिलती हैं, ये मिश्रित थे। तो पूर्व मध्य काल में मध्य एशिया में दो महान जातियों के रूप में मंगोल और तुर्कों का उत्कर्ष हुआ, जिसका भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान, जबकि मंगोलों का मूल स्थान मंगोलिया। प्रारंभ में यह दोनों ही जातियां खानाबदोश थी, कबीलाई प्रकार से जीवन यापन करती थी। खानाबदोश का मतलब इनका एक झुंड होता था, जिनका एक सरदार होता था, और अलग अलग जगह पर आक्रमण करते थे, अपने कबीलाई लोगों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निर्वहन करते थे। सरदार निर्णय लेता था, अलग अलग जगह पर जाकर अपने क्षेत्र को विस्तारित करते थे, और अपने लिए संपत्ति भोजन को जुटाना इनका मेन मकसद होता था। एक तरीके से रोजी रोटी के लिए भटकते रहते थे, मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रवासी थे, वर्तमान में प्रवासी जनजातियां थी ये। तो खानाबदोश का मतलब होता है ऐसी जनजातियां जो किसी एक निश्चित जगह पर नहीं रहती, घुमक्कड़ रहती है, घुमक्कड़ घूमती रहेगी। और कबीलाई थे, कोई वहां पर निश्चित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, कोई वहां पर राजनीतिक व्यवस्था के कुछ नियम नहीं थे। जिस दौर में ये कबीलाई जीवन जी रहे थे, उस दौर में भारत में एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी। राजा, उनके मंत्री, सेनापति, सैनिक, ये सारा सिस्टम चलता था। उस दौर में ये कबीलाई प्रकार के जीवन यापन करते थे, किंतु अपनी वीरता, साहस, लड़ाकू एवं महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण राजनीतिक रूप से स्थापित हो गए। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, निश्चित ही यह लगातार अपने युद्ध कौशल के कारण कई सारे क्षेत्र को न केवल अपने कब्जे में कर पाए, बल्कि उस क्षेत्र के नियमों को भी इन्होंने समझा और अपने कबीलाई जीवन को बदलते हुए एक सिस्टमेटिक राजनीतिक जीवन में इन्होंने प्रवेश भी किया। कालांतर में इन दोनों जातियों के राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार संबंधी संघर्ष प्रारंभ हो गए, और इसी क्रम में इन जातियों द्वारा समय समय पर भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से आक्रमण किया गया। अब ये दोनों ही जातियां अपने आप का विस्तार करने के लिए जिस क्षेत्र की ओर आती थी वो सबसे संपन्न था। ऑब्वियसली भारत की ओर आने का बड़ा कारण था उसकी संपन्नता। जैसे आज कोई भी व्यक्ति जब बेहतर तरीके से बिजनेस स्थापित कर देता है, वो भारत में अंबानी टाटा की बात करें, या फिर आप अफ्रीका का कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, वहां का जो भी संपन्न व्यक्ति होगा वह भी अमेरिका में जाने की सोचेगा, वहां पर अपना व्यवसाय स्थापित करने की सोचेगा, वो चीन जाने की भी सोच सकता है। समय समय की बात होती है, जो भी शक्तिशाली क्षेत्र होता है, जो भी संपन्न भूभाग होता है, वहां व्यापारी ही नहीं, वहां पर राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीयकरण होना एक आम बात है। उस दौर में भारत सबसे संपन्न क्षेत्रों में गिना जाता था, और इसी का परिणाम ये हुआ कि ये दोनों जातियां भारत को लूटने के उद्देश्य से भारत पर कई बार आक्रमण करती रही, और इसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास में इन दोनों जातियों ने बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया। दोनों ही जातियां इस्लाम धर्म की अनुयायी थी तथा इस्लाम धर्म के प्रसार के साथ ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति के संसाधन संपन्न भारत की ओर आकर्षित हुई थी। इन दोनों ही जाति के धर्म की यदि हम बात करें तो दोनों ही जातियों का धर्म बिल्कुल एक जैसा था, और ये दोनों ही जातियां इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ भारत के जो भी संपत्ति है उसे प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। दोनों ही जातियों द्वारा समय समय पर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किए गए, किंतु असफलता मिली। उन दोनों के द्वारा कई बार इसके पहले भी आक्रमण किए गए, लेकिन उन्हें कई बार असफलताएं मिली। 11वीं सदी में भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था और कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 11वीं सदी में भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था, कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसी कारण क्षेत्रीय इकाइयों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं को एक प्रकार का संप्रभु घोषित कर लिया। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब 11वीं सदी भारत की शुरू होती है तो हम देखते हैं कि भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो भारत के सभी शासकों को नियंत्रित कर सके। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी तो भारत के उस दौर के जो राजा महाराजा थे, उस दौर के नवाब सम्राट जो भी थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को अपने संप्रभुता के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिया और बिना किसी केंद्रीय सत्ता के अब इनमें आपस में कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई बार कहा है कि भारत के केंद्र और राज्य के संबंधों में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। आपको भारतीय संविधान में मैंने पढ़ाया है कि भारत संघवाद है, लेकिन संघीय ढांचा होने के बावजूद भी शक्तियों का केंद्र और राज्य में बराबरी का वर्गीकरण नहीं है। उसके पीछे इतिहास की ये सीख भी है, जब भी केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती है तो प्रांत अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर देते हैं, पर वो स्वतंत्र डिक्लेयर करके कहीं अपना उत्थान नहीं करते, बल्कि वह साम्राज्य विस्तार में लगने लग जाते हैं और आपसी लड़ाइयां करना प्रारंभ हो जाता है, जो भारत के साथ 11वीं सदी में हुआ। और इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाया इन कबीलाई क्षेत्रों ने, इन्होंने भारत पर आक्रमण किए। और क्योंकि इनकी आपस में ही साम्राज्य विस्तार की नीतियां चल रही थी तो किसी के साथ गठजोड़ करके किसी मजबूत शासक को हटाया गया और स्वयं की स्थापना कर डाली। ये भारत के इतिहास में काफी लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया रही है। तो वो 11वीं सदी जब भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, इसी सत्ता का कमजोर होना भारत के विदेशी आक्रमण के लिए एक उपजाऊ समय निर्मित कर देता है। इसी कारण क्षेत्रीय इकाइयों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को संप्रभु घोषित कर लिया। इस पृष्ठभूमि ने भारतीय क्षेत्रीय इकाइयों के मध्य आपसी संघर्ष एवं युद्ध के परिवेश को निर्मित कर दिया, क्योंकि सभी इकाइयां अपने साम्राज्य का विस्तार कर स्वयं को एक केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। क्योंकि अभी कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है तो हर कोई चाहता है कि चौधरी तो हम बनेंगे, जैसे हर कोई बनना चाहता है ना भाई कि हमारा शासन चले। वर्तमान के दौर में जैसे मैं कहता हूं कि केंद्रीय सत्ता के रूप में विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, चीन भी प्रयास कर रहा है, पर सोचो कि दोनों ही ना रहे, तो स्थितियां खतरनाक हो सकती है। तब तो कई सारे लोग इस केंद्रीय सत्ता के वर्चस्व को प्राप्त करने की होड़ में लग जाएंगे और इसी कारण से कई बार शक्ति विहीन स्थिति भी विनाश का कारण बन जाती है। कई लोग सोचते होंगे कि केंद्रीयकरण विनाश का कारण बनता है, निश्चित है, वो भी सही बात है, लेकिन शक्ति का समापन भी विनाश का कारण बनता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। वस्तुतः इसी कारण जब तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया तो उनके लिए भारत को जीतना कठिन कार्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय राजाओं के बीच आपसी एकजुटता और समन्वय का प्राय अभाव था। 712 ईस्वी में तुर्की के एक सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर दिया। वस्तुतः यह किसी अरब शासक की भारत पर पहली विजय थी। इसके बाद महमूद गजनवी द्वारा भारत में लूटपाट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन वो लूटपाट का उद्देश्य था। भारत पर मोहम्मद गौरी द्वारा लूटपाट के साथ साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया जाता है। और इसी क्रम में 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का स्थापना मार्ग प्रशस्त होता है। आपको पता होगा जयचंद, मैंने बताया था आपको, जयचंद की पुत्री, शायद मैंने उस समय बहन कह दिया था, आप में से कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर पुत्री थी जयचंद जी की, तो ठीक है। तो यह आपसी मतभेद का जो परिणाम हुआ कि विदेशी आक्रमण आए, आक्रामक आए और बड़े आसानी से भारत पर अपनी शासन व्यवस्था की स्थापना या अपने शासन व्यवस्था को स्थापित किया। मोहम्मद गोरी स्वयं भारत पर शासन नहीं करते हुए अपने निष्ठावान गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपकर वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत काल प्रारंभ होता है, जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ 1526 में समाप्त हो जाता है।
इस दौरान दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंशों द्वारा शासन संचालित किया जाता है, जिनकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में डिटेल में आपके सामने की है। तो सभी लोग जो इस टाइम मशीन में बैठे थे, अब हम उस जगह पहुंचने से पहले आपके दिमाग में पूरी कहानी बता चुके हैं और वो कहानी 1526 पर आकर रुक चुकी है। आप देख चुके हैं कि इब्राहिम लोदी का समापन हो रहा है, पर एक बार मैं आपको वो कहानी याद दिला दूं कि किस तरीके से इब्राहिम लोदी का समापन होता है और बाबर का शासन स्थापित होता है। भारत में मुगल काल की स्थापना और तत्कालीन परिस्थितियां, एक नजर उस 1526 के टाइम पीरियड को देख लेते हैं, 1526 के उस दौर को समझ लेते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 1525, मैं आपको उस युद्ध से एक वर्ष पीछे ले जा रहा हूं, क्योंकि युद्ध तो हमें पता है कि 1526 में युद्ध होगा, बाबर विजयी होगा, पर इस युद्ध से पहले की पिक्चर देख लेते हैं कि उस पिक्चर में कहां कहां षड्यंत्र हो रहे थे, उस पिक्चर में किस तरीके से इब्राहिम लोदी को कमजोर किया गया, उस पिक्चर में इब्राहिम लोदी ने क्या ऐसे गलत कृत्य कर लिए कि उसे हार का सामना करना पड़ा, वो भी पानीपत की पहली लड़ाई में, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो अपना घर बचा नहीं सका पर वह इतना बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर पाया। तो पिक्चर थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाते हैं, एक साल पहले। सिंधु नदी से बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था, मुसलमानों के द्वारा अधिकृत पश्चिमी गुजरात और समीपवर्ती प्रदेश था, उत्तर और दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के मध्य राजपुताना राज्य था जिस पर राजपूतों का शासन था, इसका प्रमुख केंद्र मारवाड़ था। तो एक तरीके से राजपूत मध्य में थे और उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम में मुस्लिम शासकों की एक तरीके से घेराबंदी थी। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था जहां हिंदू शासक राज्य करते थे, दक्षिण के हिस्से में विजयनगर साम्राज्य थोड़ा सा विकसित था, वहां मुस्लिम की जगह पर हिंदू शासक थे। तो मोटे तौर पर हम कहें तो दिल्ली सल्तनत वाला ये जो क्षेत्र है, यहां जो मारवाड़ का क्षेत्र आएगा यहां पर, और ये जो निचला क्षेत्र है यहां पर आपको हिंदू शासक मिलेंगे, यहां राजपूत शासक हैं जो मारवाड़ का केंद्र माना जाता है, और यहां पर विजय साम्राज्य था, विजयनगर का साम्राज्य था जो कि अपने अलग ही तरीके के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से पोषित हो रहा था। लेकिन लगभग ये पूरा क्षेत्र, लगभग इस पूरे क्षेत्र को मैं कह सकता हूं कि यह पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत काल के उस दौर में अधीन आ चुका था। दिल्ली सल्तनत काल का फिर पतन क्यों हुआ? जब इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अफगान सरदार, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों का प्रशासन संचालित कर रहे थे, स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। फिर वही प्रॉब्लम, स्वतंत्र घोषित करने का मतलब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। आइए इस कहानी का मोड़, अब आप उस टाइम मशीन के माध्यम से उस नजारे को देखिए जब 1517 में इब्राहिम लोदी की ताजपोशी की जा रही है। जैसे इब्राहिम लोदी राजा बनता है तो पिक्चर के दूसरे सीन में आपको दिखाया जा रहा है कि अफगानी सरदारों ने इस इब्राहिम लोदी से अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया और इनको अपना सम्राट मानने से एक तरीके से नकार दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब हम अपनी तरीके से राजस्व वसूली करेंगे और यह क्षेत्र पूर्ण रूप से अब हमारे अंडर रहेगा। अर्थात इब्राहिम लोदी के समय सुल्तान का अपना प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इसी दौरान राजस्थान, अब दूसरे पिक्चर का सीन चल रहा है मेवाड़ का, राजस्थान मेवाड़ के राणा सांगा के द्वारा भी अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में दिल्ली की ओर अभियान प्रारंभ कर दिया जाता है। इस पिक्चर सीन में हम देख पा रहे हैं कि मारवाड़ में राणा सांगा भी दिल्ली को कमजोर स्थिति को देखते हुए दिल्ली में अपने शासन की पुनर्स्थापना करना चाहता है जो 1192 से पहले थी। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यह थी कि इसने सुल्तान बनने के बाद पुराने सभी अफगान सरदारों को प्रशासनिक पदों से अपदस्त कर दिया। इधर महाराज सम्राट को पता चल रहा है कि अफगानी सरदार तो स्वतंत्रता या स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर चुके हैं,
तो वो गुस्से में आकर कहते कि सबको हटाया जाए, अब हम अपने मर्जी से वहां के सरदारों को डिक्लेयर करेंगे। पिक्चर का जो मेन सीन है उसमें इब्राहिम लोदी वहां के सरदारों को हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने अनुभवहीन और अविश्वास पात्र अफगान सरदारों को नियुक्त कर दिया, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय था। इससे पुराने सरदार असंतुष्ट हो गए, जिनमें पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी थे। अब उनका ही चाचा आलम खां है, चाचा कह रहा है कि भतीजा सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। ये अभी अभी नई पीढ़ी है, ये जानती नहीं है कि हमने इनके पिताजी के साथ कैसे युद्ध किए हैं और किस तरीके से इस साम्राज्य के निर्माण में हमने अपना खून बहाया है। पिक्चर का एक नया सीन जहां दौलत खां इब्राहिम लोदी को कोस रहा होगा। इससे दिल्ली दरबार में भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली चाचा की पहुंच दिल्ली दरबार में पहले से ही रही होगी, तो वहां पर भी कुछ षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं जो कि इब्राहिम लोदी के लिए ठीक नहीं है। अंततः इसी असंतुष्ट सरदारों के द्वारा बाबर को भारत पर नियंत्रण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यही असंतुष्टि 1192 में भारतीय शासकों को हुई, तो उन्होंने गौरी की मदद की थी। यही असंतुष्टि इब्राहिम लोदी के दौरान कई अफगान सरदारों को हुई, तो उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आओ हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत के साथ ही लोदी वंश का पतन हो जाता है और भारत में एक नया वंश मुगल की स्थापना होती है। अब सवाल यह है कि ये बाबर को इनवाइट क्यों कर रहे होंगे। एक्चुअल में बाबर अपने क्षेत्र की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा था। इनको लगता था कि बाबर वास्तविक रूप में किसी और क्षेत्र में शासन नहीं करना चाहता, वो अपने ही क्षेत्र में शासन करना चाहेगा, तो क्यों ना बाबर की मदद से पहले इब्राहिम लोदी को खत्म कर देते हैं, फिर जब बाबर अपने क्षेत्र में लौट जाएगा तो तय कर लेंगे कि नया शासक कौन होगा। दौलत खां को उम्मीद थी कि भतीजे के मरने के बाद तो हम ही हैं, अफगान सरदारों का समर्थन हमें ऑलरेडी मिलेगा। लेकिन बाबर के इरादे भारत में आने पर बदल जाते हैं। वैसे भी भारत में उस दौर में जो भी आया उसके इरादे बदल गए। हमने देखा जो लूटपाट के इरादे से आए वो राजा बनने की ख्वाहिशें पैदा करने लगे, जो राजा बन गए वह फिर से भारत को शोषण के इरादे से देखने लगे। जब अंग्रेज आए तो व्यापार करने के नजर से आए थे, लेकिन आने के बाद उन्हें कहां पता था, उन्हें कहां उम्मीद थी कि वही भारत में शासन करने का काम करेंगे 150 सालों तक। तो भारत की जमीन ही ऐसी है कि यहां कदम रखने पर लोगों के इरादे बदल जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, ये थोड़ा सा उस लड़ाई के बारे में भी देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी की पराजय, लोदी वंश का समापन और मुगल वंश की स्थापना। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि अपने आप में एक नया इतिहास गढ़ने की ताकत रखती है। अब एक बड़ा सवाल आप लोगों से मैंने जो पूछा था इस मशीन में बैठने से पहले कि आखिर दिल्ली सल्तनत काल में एक नया वंश जोड़ देते, इब्राहिम लोदी के बाद मुगल वंश जोड़ देते, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है, दिल्ली सल्तनत के बजाय मुगल काल का नामकरण क्यों, मुगल काल का नामकरण क्यों किया गया। अब जरा कमेंट्स करना चाहे तो मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली सल्तनत की जगह पर मुगल काल एक नया अध्याय क्यों किया गया होगा। दीपक कुमार कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सर, ऐसा हमारे यहाँ पर यूट्यूब में भी होता है, आते तो पढ़ने के उद्देश्य से हैं लेकिन मन बदल जाता है, इरादे बदल जाते हैं परिस्थितियों के बदलने के साथ, यूट्यूब के लाल लालियों के विचार बदल जाते हैं।
क्योंकि मुगलों को अपनी सत्ता हर जगह फैलानी थी। कोई बात नहीं विघ्नहर्ता, मैं समझ गया हूं। आइए शुरुआत करते हैं, इस बात के पीछे के कारण की जांच पड़ताल करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बजाय मुगल काल का नामकरण क्यों। हमारे टीम ने कई किताबों को ढूंढने के बाद, कई इतिहासकारों को पढ़ने के बाद इस जवाब को ढूंढने का प्रयास किया है। 1526 में लोधी वंश की समाप्ति के बाद बाबर के द्वारा भारत में जिस नए वंश की स्थापना हुई उसे इतिहासकारों के द्वारा मुगल काल की संज्ञा दी जाती है। वस्तुतः यह नामकरण मध्यकालीन इतिहास के विभाजन एवं इतिहास लेखन की सरलता की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। पहले नजर में तो ऐसा लगता है कि भाई केवल पढ़ने के हिसाब से मुगल काल को अलग कर दिया, क्योंकि मुगल काल के कई सारे शासक लगातार काफी लंबे समय तक दिल्ली पर शासन करने की संभावना व्यक्त कर गए। किंतु इसका एक अन्य कारण बाबर द्वारा स्वयं को अपनी माता के वंशज अर्थात मंगोल वंश से संबंधित बताना भी है। हालांकि तकनीकी दृष्टिकोण से बाबर अपने पैतृक वंशज तुर्की से संबंधित था, किंतु बाबर मंगोल शासक चंगेज खां से प्रभावित माना जाता था। यहां यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इतिहासकारों को लगता है कि दिल्ली सल्तनत काल में जिस तरीके की व्यवस्था थी वह व्यवस्था मुगल काल से बहुत अलग है, न केवल शासन करने के रूप में बल्कि भारत के प्रति उनकी रुचि, उनका दृष्टिकोण पूर्णतः अलग था। बाबर पुनः अपने क्षेत्र की ओर लौटना नहीं चाहता था और वह निरंतर इसी क्षेत्र को लगातार अपने भूभाग या इसी क्षेत्र को अपना मानकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतिहासकारों के मन में कई सारे विचार हैं, आइए जरा उन विचारों को एक नजर देख लेते हैं। तो उनका पहला कारण यह है कि भी पढ़ने के दृष्टिकोण से आसान होगा। दूसरा यह है कि बाबर माता के वंशज को ज्यादा महत्व दे रहा है। यद्यपि तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों ही क्रूर और प्रमुख शासक थे, किंतु तत्कालीन परिवेश में तुलनात्मक रूप से तैमूर लंग को अधिक क्रूर और निरंकुश शासक माना जाता है। मतलब तैमूर वालों को ज्यादा क्रूर माना गया उस परिस्थिति में। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा मध्यकालीन इतिहास विभेदन तथा बाबर द्वारा मातृ पक्ष के मंगोल शासक का वंशज मानने की प्रवृत्ति के कारण मुगल काल का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मंगोल शब्द का अरबी रूपांतरण मुगल है, अतः 1526 से प्रारंभ हुए नवीन काल को मुगल काल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कारण यह भी है कि 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बने बाबर समरकंद प्रारंभिक तुर्कों की राजधानी को अपना पैतृक निवास स्थान समझता था। शब्द पर गौर करेंगे, 1494 ये बात है पिक्चर में, उन बाबर के पैतृक गांव के बारे में दृश्य दिखाया जा रहा है पिक्चर में कि भी देखो थोड़ा सा बाबर के बारे में समझो। तो 1494 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक बने बाबर समरकंद में, जो कि उनका जो राजधानी जैसा क्षेत्र जिसे पर वह शासन करते थे, अपना पैतृक निवास स्थान समझता था। इसलिए बाबर समरकंद पर पुनः अधिकार प्राप्त करना चाहता था, जिस पर अन्य तुर्की कुलीनों ने शासन स्थापित कर लिया था। तो एक तरीके से उज्बेकिस्तान के आसपास का ये समरकंद क्षेत्र है जहां पर बाबर अपनी पैतृक जमीन को प्राप्त करना चाहता था। यही वो क्षेत्र है जहां पर हम कह सकते हैं कि बाबर का बचपन गुजरा होगा। हालांकि बाबर को इस संदर्भ में सफलता प्राप्त नहीं होती और इसी दौरान बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण के लिए भारतीय निमंत्रण प्राप्त होता है। तो व्यक्ति जब होता है भाई, जब अपनी तरफ से जीत नहीं रहे हैं तो चलो दूसरी तरफ हमला कर देते हैं, यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो चलो पीसीएस दे लेते हैं, पता चला पीसीएस में टॉप रैंक पर आ गए, तो किस्मत कभी भी पलट सकती है। ये बाबर से सीखना चाहिए। जब 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो बाबर यह समझ चुका था कि उसे पुनः
समरकंद पर शासन करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा और इसलिए वह दिल्ली पर ही शासन करना उचित समझता है। इरादे बदल गए बाबर के। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से एक छोटी सी बात, मेरा एक लाल है, अद्भुत है, वो कह रहा है कि सर क्या बाबर का राज्य अभिषेक दो बार हुआ था? ये वो लाल है जो इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता है, वो इतिहास को खोदना चाहता है। मैं इतिहास पढ़ाने का दृष्टिकोण लेकर आया हूं। इतिहास खोदने के लिए हमारे पास पूर्ण जीवन पड़ा है, आनंद लेंगे। राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, कौन आए थे राज्याभिषेक में, क्या किसी अन्य सम्राट ने भी पार्टिसिपेट किया था? जैसे मोदी जी का दूसरी बार जब प्रधानमंत्री पद आया तो कई सारे आसियान की कंट्री वालों को बुलाया गया था, तो वो भी जानेंगे। पर इतिहास को खोदने की जगह थोड़ा दृष्टिकोण देखते चलिए, लड़ाइयों को देखते चलिए, चीजों को समझते चलिए और जानिए कि भारत के इतिहास में वो बड़े बड़े बिंदु क्या रहे होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास को केवल समझने के नजरिए से देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बाबर द्वारा दिल्ली पर शासन किया जाना तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के शासकों से भिन्न था, जो कि स्पष्ट रूप से दिल्ली पर शासन करने के लिए प्रेरित था, क्योंकि बाकी के जो शासक थे उनके क्षेत्र अभी भी पैतृक उनके कब्जे में थे। लेकिन मुगल में जो पहला शासक बाबर हैं, अब उसके लिए अपनी पैतृक जमीन समाप्त हो चुकी है, तो अब ये अपने आप को पूर्ण रूप से दिल्ली के लिए समर्पित कर चुका है। इसीलिए इतिहास में मुगलों को दिल्ली सल्तनत से भिन्न दर्शाया जाता है। अतः बाबर और पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत के शासकों के दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर भी इतिहासकारों के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल का विभाजन किया जाता है। इसका एक अन्य उदाहरण, मुगल काल का भी पुनः दो कालखंडों में विभाजित किया जाना है। एक कालखंड है जो औरंगजेब की मृत्यु से पहले का है और दूसरा कालखंड है जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का है। इसलिए क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु तक 5-6 शासक स्पष्ट दिखते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लेकिन उसके बाद लगातार केंद्रीय सत्ता में शासन परिवर्तन और कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं दिख पाता। 1526 से 1707 औरंगजेब की मृत्यु का वर्ष मुगल काल, जबकि 1707 से 1857 के कालखंड को उत्तर मुगल काल के नाम से विभाजित करते हैं, मतलब मुगल काल को भी दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है 1526 से 1707 तक बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने मुगल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखा, जबकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता के कमजोर होने, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने, फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसी यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के बढ़ते महत्व के कारण 1857 तक के काल को उत्तर अथवा परवर्ती मुगल काल की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो मुगल काल का अध्ययन भी दो खंड में किया जा सकता है, एक पूर्व मुगल काल और एक उत्तर मुगल काल, या एक केंद्रीय सत्ता की शक्ति वाला मुगल काल और एक केंद्रीय सत्ता के कमजोर शक्ति वाला मुगल काल। आइए शुरुआत करते हैं अब मुगल काल में 1526 से बाबर से। बाबर कौन था? पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जन्म 4 फरवरी 1483, कहां पर? ट्रांस ऑक्सियाना के प्रांत में फरगना में, जो कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में है। पिता मिर्जा उमर शेख, तुर्की शासक तैमूर लंग का पांचवा वंशज, तैमूर लंग का पांचवा वंशज। माता कुतलुक निगार खानम, मंगोल शासक चंगेज खा की 14वीं वंशज, मतलब चंगेज खा काफी पुराने वंशजों में, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी जिसे कह सकते हैं ना कि दोनों ही लड़ाकू प्रजातियों का मिश्रण था बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और मिर्जा उमर शेख कुतलुग निगार खानम, इनके सुपुत्र ट्रांस ऑक्सियाना जो कि फरगना का क्षेत्र था, वर्तमान के उज्बेकिस्तान में मिलता है, वहां जन्म।
उल्लेखनीय है कि 1496 में उज्बेकिस्तान के कुलीनों ने फरगना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था, क्योंकि 1494 में पिता की मौत हो गई थी। इस दौरान बाबर अपने कुछ सैनिकों के साथ फारस, आधुनिक ईरान के तत्कालीन शासक शाह इस्माइल के पास शरण प्राप्त करता है। तो एक तरीके से वह अपनी जान बचाते हुए कुछ सैनिकों के साथ वर्तमान के ईरान, उस जमाने में फारस के शासक के पास शरण प्राप्त करते हुए जीवन यापन करते हैं। फारस के शासक ने बाबर को दो शर्तों के आधार पर शरण दी। पहली शर्त कि बाबर इस्लाम के शिया मत को अपनाएगा, और दूसरी शर्त यह थी कि बाबर काबुल पर अधिकार प्राप्त करेगा और काबुल को उसे सौंप देगा। मतलब एक तरीके से कहा गया कि मैं तुम्हें आज शह तो दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे काबुल जीत कर दोगे। ये कहानी कुछ वैसी ही मान के चलिए कि द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को शिक्षा दी, कौरवों को शिक्षा दी, तो अपने बचपन के जो मित्र थे उनसे एक बार वह दूध की केवल गाय की उम्मीद करने गए थे, तो आधा शासन मांग लेते हैं या आधा शासन अपने कब्जे में कर लेते पूरे शासन को जीतने के बाद, क्योंकि मित्र होकर भी द्रोणाचार्य के उस मित्र ने उनकी मदद नहीं की थी। तो कुछ ऐसी बातचीत है कि इस पिक्चर के सीन में हम देख पा रहे हैं कि बाबर कुछ सैनिकों को लेकर शरण मांग रहे हैं और राजा कह रहा है कि हम तुम्हें शरण तो देंगे, लेकिन क्या तुम मुझे काबुल जीत कर दोगे। तो कहते कि हाँ, अगर मैं काबुल जीतता हूं तो वह आपको सौंपूंगा, और दूसरा कि वह शिया मत को अपनाए। इसके लिए फारस के शासक ने बाबर को सैन्य सहायता भी प्रदान की। वस्तुतः क्योंकि एक्चुअली फारस का शासक जानता था तुर्की हैं, मंगोली हैं, लड़ाके हैं, इनकी लड़ाकू प्रजाति के कारण वो पहले से ही डिमांड में रहे हैं। वस्तुतः फारस का शासक बाबर की सैन्य नेतृत्व की क्षमता और साहस से परिचित था। बाबर काबुल अफगानिस्तान पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, साथ ही 1502 ईस्वी के आसपास बाबर सैन्य शक्ति के आधार पर पुनः फरगना पर शासन प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो अफगानिस्तान को भी कब्जे में कर लेता है। इसके बाद बाबर पुनः समरकंद पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण करता है, जो कि उसकी पैतृक राजधानी थी। इस क्रम में 1502 ईस्वी में बाबर और तत्कालीन समरकंद शासक उज्बेक शैबानी खां के बीच सरायू पाल का युद्ध लड़ा जाता है, किंतु बाबर की हार होती है। बाबर अपनी उस पैतृक राजधानी को प्राप्त करने के लिए फिर युद्ध करता है, और इस युद्ध का जो नाम है सरायू पाल का युद्ध। 1502 में बाबर और तत्कालीन समरकंद शासक उज्बेक शैबानी खां के बीच होता है, किंतु बाबर की पराजय होती है। इस क्रम में 1507 में बाबर अंधविश्वास अथवा अपनी निजी मान्यता के कारण मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। उसे कोई कहता है कि आप जब तक मिर्जा की उपाधि रखोगे, आप अपने पैतृक जमीन को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको बादशाह की उपाधि धारण करनी चाहिए। पर मैं कहूंगा कि समय जानता था कि वह व्यक्ति समरकंद के लिए नहीं, भारत के लिए बना हुआ था, इसलिए समय बलवान था। समय जानता था कि थोड़ा और इंतजार बाबर, तुम्हें समरकंद से भी ज्यादा संपन्न और ज्यादा बड़ा भूभाग मिलेगा। तो कभी कभी छोटी छोटी एग्जामों में यदि असफलता भी आ जाए तो घबराया ना करिए। हो सकता है कि समय की मांग है कि उन छोटे छोटे पदों पर विचार ना करो, उससे भी संपन्न और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यदि कभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा फेल हो जाए, SSC बैंकिंग फेल हो जाए, तो घबराना नहीं है, सोचना है शायद मेरी नियति भी बाबर जैसी है। मुझे कोई सब इंस्पेक्टर और बैंकिंग नहीं निकालना है, मुझे लगता है कि UPSC ही मेरे भाग्य में लिखी हुई है। तो इंतजार ना करा करिए, असफलताओं से घबराया ना करिए, क्योंकि बाबर जैसा हमारे पास उदाहरण है, जो एक छोटी सी जगह प्राप्त करने की ख्वाहिश थी, लेकिन समय ने उससे भी भयानक और बहुत बड़ी जगह प्रदान कर दी। आज समरकंद के शासकों को इतिहास में भले ही जगह ना मिली हो, लेकिन बाबर का अपना एक इतिहास है जिसे आपको और मुझे
पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है, तो अपने आप में उस बात को दर्शाने की कोशिश है। क्योंकि बाबर को प्रतीत होता है कि समरकंद पर शासन करने के संबंध में उसकी पराजय का मूल कारण उसकी मिर्जा की उपाधि है। उल्लेखनीय है कि मिर्जा की यह उपाधि फरगना के शासक द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाती थी और बाबर के पिता उमर शेख ने भी यह उपाधि धारण की थी। बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी उस क्षेत्र में। इस पॉइंट को नोट किया जा सकता है, बाबर ऐसा पहला शासक बना जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह फारसी भाषा का शब्द है जिसमें बाद का अर्थ स्थाई और शाह का अर्थ है स्वामी, अर्थात बादशाह का अर्थ होता है। सच सच बताइएगा कितने लोगों को आज बादशाह का मीनिंग पता चला है। बाद का मतलब होता है स्थाई और शाह का मतलब होता है स्वामी, तो स्थाई स्वामी बादशाह, स्थाई स्वामी बादशाह। वस्तुतः बाबर ने यह उपाधि इसलिए धारण की क्योंकि इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले सभी शासकों के द्वारा खलीफा के निर्देशानुसार कोई उपाधि धारण करनी होती थी। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा खलीफा के निर्देश पर सुल्तान की उपाधि धारण की जाती थी, किंतु बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर खलीफा की सत्ता में विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति का स्वघोषित दर्जा प्राप्त कर लिया। मतलब एक तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं जो सुल्तान को बनाने वाले मुख्य लोग हैं उनकी सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब खलीफा की सत्ता में मेरा कोई विश्वास नहीं है। समरकंद पर बार बार अधिकार प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में विफल होने के बाद बाबर अपने सैन्य अभियानों को भारत की ओर केंद्रित करता है और अब भारत की ओर परिस्थितियां भी उसके लिए अनुकूल होती चली जा रही है। भारत पर बाबर के आक्रमण के कारण दो बड़े कारण तो दिख रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली अपनी पैतृक जमीन को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरा बड़ा कारण है कि वहां भारत की परिस्थितियां उसे अपने आप भारत की ओर आकर्षित कर रही है। पारिवारिक कारण, अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बने बाबर को सत्ता से वंचित कर दिया गया। सैनिक शक्ति में वृद्धि, फरगना की सत्ता से वंचित होने के बाद बाबर ने लगभग 3 वर्ष सैनिकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए व्यतीत किए और इसी दौरान बाबर ने समरकंद तथा फरगना को पुनः जीतने का प्रयास किया, किंतु उसमें उसे असफलता प्राप्त हुई। कई बार आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि केवल बाबर की किस्मत तो नहीं, इस व्यक्ति ने फरगना को प्राप्त करने के लिए, समरकंद को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया है, उसने तैयारी पूरी तरह से की है। बात वो मानी जा सकती है कि उसको सफलता भले ही नहीं मिली, लेकिन उसने अपने हर स्तर पर अपने शासन की प्राप्ति के लिए मेहनत की काम किया है। दूसरी ओर फारस के शासक से सैन्य सहायता प्राप्त कर बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया था। लगभग 2 दशकों के दौरान निरंतर युद्ध अभियानों में व्यस्त रहने के फलस्वरूप बाबर ने विभिन्न युद्ध नीतियों को सीख लिया था। इसके अंतर्गत तोपखाने, बंदूकों का प्रयोग, सेना को छिपाने की रणनीति, शत्रु को प्रलोभन में डालना, कुशल घुड़सवारी इत्यादि प्रमुख थे जिसमें बाबर के सैन्य उत्साह में वृद्धि हुई। मुगल वो पहले लोग रहे जिन्होंने बंदूकों का उपयोग, तोपखानों का उपयोग शुरू किया था, और इसीलिए मुगल की युद्ध नीति, मुगल की आर्थिक सामाजिक नीति दिल्ली सल्तनत काल के किसी भी शासक की तुलना में हमें बहुत भिन्न प्रतीत होगी। आर्थिक लालसा, अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने भारत की विशाल धन संपदा और स्वर्ण का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि साम्राज्य की महत्वाकांक्षा के साथ ही अपने पूर्ववर्ती दिल्ली सल्तनत शासकों की तरह बाबर भी लोभ की भावना से प्रेरित था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की संपन्नता के चर्चे बहुत ज्यादा थे और इसी कारण से कोई भी भारत की ओर उसकी संपन्नता के कारण आकर्षित होता था।
यद्यपि बादशाह की उपाधि धारण कर बाबर ने स्वयं को खलीफा की अधीनता से मुक्त कर लिया, किंतु इसके बावजूद बाबर ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस्लाम का प्रसार किया। इसके अतिरिक्त फारस के शासन द्वारा इस्लाम के शिया मत का प्रसार करने की शर्त स्वीकार करना भी बाबर के धार्मिक विस्तार के दृष्टिकोण को इंगित करता है कि वह शिया मत का अनुयायी बना सुन्नी मत की जगह पर। उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति देख लीजिए। 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के समय उत्तर भारत कमजोर और शक्तिहीन इब्राहिम लोदी के अधीन था। साथ ही उत्तर भारत की राजपूत शक्तियां भी दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से सक्रिय थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था। 16वीं शताब्दी का मतलब 1500 से लेकर 1599 का दौर। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं इस विषय में, जरा उनकी बात सुनिए। उनका कहना है कि प्रारंभ में भारत राज्यों का एक संग्रह था, मतलब राज्य केवल यहां पर जमा कर दिए गए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैं 20 चीजें जमा करके रख दूं, लेकिन वो बंधी हुई नहीं थी, वो पिरोई गई नहीं थी, वो बिखरी हुई थी, तो वो राज्यों का संग्रह था केवल। लेकिन राज्यों को बांधने वाली कोई केंद्रीय सत्ता उन संग्रह को मजबूती देने का काम नहीं कर पा रही थी। दिल्ली साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। बड़े बड़े प्रांतों के शासक अलग अलग थे, छोटे जिलों, यहां तक कि शहरों और दुर्गों के भी सरदार होते थे जो अपने से किसी उच्चतर राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व नहीं मानते थे। राजा का आदेश सर्वोच्च नहीं रह गया था। इस समय भारत किसी भी आक्रमणकारी का, जिसमें विजय करने की शक्ति और दृढ़ता होती है, शिकार बन सकता था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उस दौर के बारे में बताते हैं कि राजा अब उतना सम्मानीय नहीं रह गया था। सम्राट के आदेशों की अवहेलना बड़े बड़े प्रांत तो करते ही थे, कुछ संपन्न लोग, कुछ जहांगीरदार, जमींदार, जैसे वर्तमान में जैसे हम कहते थे आधुनिक भारत के इतिहास में, उस दौर जैसे संपन्न जहांगीरदार भी उनकी बातों का विरोध कर लेते थे। मतलब कई सरदार उनका उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते थे। इन अस्थिर और अवसरदारी परिस्थितियों ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया। इसके अलावा बाबर को पंजाब के शासक दौलत खां, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां तथा राणा सांगा द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहला 1526 पानीपत की लड़ाई, स्थापना हो गई, बाबर बन गया दिल्ली का शासक। पर यहां समाप्त नहीं होता है, अब कई सारी लड़ाइयां बाबर के द्वारा लड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय प्रांत के लोग थे, ये इस उम्मीद से बाबर को बुलाए थे कि महोदय आएंगे, थोड़ा लूटपाट करेंगे और चले जाएंगे समरकंद की प्राप्ति के लिए। पर महोदय ने तो विचार ही बदल दिए, इनको अब ये ठीक नहीं लगेगा। और इसीलिए बहुत जल्द ही जो दिल्ली सल्तनत को चुनौती देने वाले प्रांतीय शासक थे, वह बाबर के लिए भी चुनौती खड़ी करेंगे। और बाबर एक एक चुनौती का सामना करते हुए अपने युद्ध कौशल के आधार पर दिल्ली में मुगल शासन की जड़ों को मजबूत कर देंगे। आइए देखते हैं बाबर महोदय खानवा का युद्ध 1527। 1526 में दिल्ली सुल्तान को पराजित करने के बाद बाबर भारत के महत्व को निकटता से समझ गया था। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ चुकी थी। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मैं आपको बता दूं पूरे भारत के इतिहास में युद्ध का कारण रही है। जयचंद की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने गौरी को इन्वाइट किया। धृतराष्ट्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने महाभारत का निर्माण कर दिया। कैकेयी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने रामायण का निर्माण कर दिया। और यह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने न केवल पानीपत के युद्ध का निर्माण करवाया, बल्कि भारत में जितने भी युद्ध हुए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई लोगों की हत्याओं का कारण बनती है। वो भारत के पार्टी के भीतर भी आप देख सकते हैं और पार्टियों के अंदर भी देख सकते हैं। वो अलग अलग टाइम में भारत के किसी भी दौर को देख लीजिएगा, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्रिएट करती है।
राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन वह किसी और क्षेत्र को हड़पने की नहीं, अपने क्षेत्र को मजबूत करने की होनी चाहिए। यही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भारत के इतिहास में युद्धों का इतिहास लिखने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी ओर राजपूत शासक राणा सांगा संग्राम सिंह का यह दृष्टिकोण था कि दिल्ली विजय के बाद बाबर वापिस अपने क्षेत्र में लौट जाएगा तथा भारत से प्राप्त धन से समरकंद को पुनः विजित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा राणा सांगा का संभवतः यह भी मानना था कि बाबर तथा उसकी सेना के लिए उत्तर भारत की जलवायु को सहन करना कठिन होगा, किंतु बाबर ने वापिस लौटने के बजाय दिल्ली में ही शासन करने का निर्णय लिया और इस क्रम में उसने दिल्ली की सत्ता के सबसे बड़े दावेदार राणा सांगा से युद्ध करने का निर्णय लिया। ऑब्वियसली जब सत्ता हाथ में आती है, जब शासन अपने हाथ में आ जाता है, तो सबसे बड़ा जो समर्थक था वही सबसे बड़ा चुनौती पैदा कर सकता है। कहा जाता है ना कि जो सबसे अच्छा मित्र होगा वही तुम्हारा सबसे खतरनाक शत्रु बन सकता है, क्योंकि वो तुम्हारी हर कमजोर कड़ी भी जानता है और वह तुम्हारे हर तरीके के दाव पेचों से परिचित रहता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सल्तनत को उस दौर में संग्राम सिंह की राणा सांगा जी की ही थी और ये बाबर भली भांति समझ चुका था और इसी कारण से बाबर ने सबसे पहला अपना जो युद्ध लड़ा वो खानवा का युद्ध। फलस्वरूप 27 मार्च तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1527 केवल एक साल के बाद ही 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा नामक स्थान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय का प्रमुख कारण बंदूकों तोपखानों का प्रयोग किया जाना था, जबकि राजपूत सेना में शौर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु युद्ध पद्धति और अपेक्षाकृत आधुनिक हथियारों के न होने के कारण उनकी पराजय हो गई। वह शूरवीर थे, उनके अंदर शौर्य की कमी नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली भी तलवार भाले किसी भी व्यक्ति को कितनी दूर से मार सकते हैं, जब वो बहुत नजदीक होगा तभी, लेकिन तोप और बंदूक के काफी दूरी से भी शत्रु पर गहरा आघात करते हैं। तीर कमान भी उतना आघात नहीं कर पाएंगे जितना कि तोप खाने और बंदूक के। खानवा के युद्ध के बाद बाबर के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया, साथ ही राजपूत शासकों की शक्ति भी लगभग क्षीण हो गई। इतिहासकारों के अनुसार खानवा के युद्ध ने पानीपत के प्रथम युद्ध के अधूरे कार्य को संपूर्णता प्रदान कर दी। मैं फिर आपके साथ आधुनिक इतिहास को जोड़ना चाहूंगा। जिस तरीके से पानीपत का प्रथम युद्ध एक अधूरी लड़ाई थी, क्योंकि उस लड़ाई में दिल्ली सुल्तान को समर्थन बाकी किसी सम्राट ने दिया ही नहीं था, और इसलिए जब अपने ही धोखेबाज रहेंगे, जब अपने ही आसपास के लोगों ने हमें मदद ना की हो, तो जीत तो आसान होती है। लेकिन खानवा की लड़ाई के बाद बाकी सम्राटों को भी, बाकी राजा महाराजाओं को स्पष्ट हो गया कि बाबर का निश्चय या बाबर का निर्णय यहां से समरकंद जाने का तो नहीं है, साथ ही बाबर को चुनौती देना बहुत कठिन है। ये बात कुछ ऐसी ही है जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो बंगाल के नवाब तो धोखे से हारे थे, लेकिन बक्सर की 1764 की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने अपनी ताकत से और अपनी कूटनीति से या अपनी युद्ध नीति से उस बक्सर के युद्ध को जीता था, और इसीलिए प्लासी की अधूरी कहानी बक्सर में पूरी की गई, जैसे कि पानीपत की अधूरी कहानी खानवा के युद्ध में पूरी की गई। फिर 1528 देखते चलिए, दो दो साल एक एक साल में युद्ध हो रहे हैं। चंदेरी का युद्ध
हालांकि खानवा के युद्ध में बाबर की जीत ने प्रमुख राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित कर दिया था, किंतु अभी भी पूरी तरह से राजपूत शक्तियों का उन्मूलन नहीं था तथा शेष राजपूत बाबर के विरुद्ध एकजुट हो रहे थे। इसलिए चंदेरी आधुनिक भोपाल का सीमापवर्ती क्षेत्र युद्ध बाबर ने शेष राजपूतों के विरुद्ध 1528 में लड़ा, जिसमें पुनः बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध हम कह सकते भोपाल के नजदीक के क्षेत्र में फिर से बचे हुए राजपूत एकजुट हुए और स्पष्ट रूप से यहां बाबर ने पुनः अपनी विजय तय की और ये स्पष्ट कर दिया कि अब बाबर के खिलाफ खड़ा होना राजपूतों के लिए लगभग नामुमकिन था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों से उनके प्रमुख किलों की मांग की थी, किंतु मालवा के राजा मेदिनी राय ने चंदेरी के किलों को बाबर को सौंपने से मना कर दिया था। मतलब बाबर ने अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया था, बाबर ने राजपूतों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था, अपने किलों को और अपने राजस्व को अपने अनुसार मतलब बाबर के अनुसार चलाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। फिर 2 साल घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध खानवा और चंदेरी के युद्ध के माध्यम से बाबर ने राजपूत शक्तियों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था, किंतु अभी बाबर को अफगानों के आक्रमण का भय था। वस्तुतः इन अफगानों में प्रमुख इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था, जो स्वयं को दिल्ली के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था। पिक्चर में अभी पुराना हीरो जिंदा है, ठीक है पुराना हीरो मर गया, लेकिन पुराने हीरो का परिवार अभी जिंदा है और इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो स्वयं को दिल्ली के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा था, महमूद लोदी को बंगाल के शासक नुसरत शाह द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था, क्योंकि बंगाल के तत्कालीन शासक का दृष्टिकोण था कि महमूद लोदी यदि दिल्ली का सुल्तान बना तो निकट भविष्य में उसे सरलता से पराजित किया जा सकता था। हर एक अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में लगा हुआ है। मतलब इधर बंगाल का जो शासक है, तत्कालीन शासक, ये सोच रहा है नुसरत शाह इस समय जो महमूद लोदी है उसकी मदद कर लेते हैं, महमूद लोदी इसको हरा देगा, महमूद लोदी सुल्तान बनेगा, सुल्तान को हम हरा देंगे, हम सुल्तान बन जाएंगे। मतलब हर कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध करने के लिए और लगातार अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि बंगाल के तत्कालीन शासक का दृष्टिकोण था कि महमूद लोदी यदि दिल्ली का सुल्तान बना तो निकट भविष्य में उसे सरलता से पराजित किया जा सकता है। इसके अलावा बाबर इस समय चंदेरी के युद्ध में व्यस्त था, अतः महमूद लोदी के नेतृत्व में संगठित होने के लिए उचित अवसर था। अंततः 1529 में घाघरा नदी के तट पर महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की एक तरफा जीत हुई। 1529 है ये, 1530 नहीं 1529। उल्लेखनीय है कि बाबर द्वारा लड़ा गया घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों स्तरों पर युद्ध हुआ था। मतलब एक साथ जल पर, जल क्षेत्र से भी युद्ध को, युद्ध कौशल को देखना था और थल क्षेत्र से भी। इस प्रकार उत्तर भारत का लगभग समस्त क्षेत्र बाबर के अधीन आ चुका था। इस दौरान अगले ही वर्ष 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी के कारण बाबर की मौत हो गई, क्योंकि बाबर को इस पृथ्वी पर शायद इसी काम के लिए सौंपा गया था कि जाओ भारत में अपना शासन स्थापित करो और 3 युद्ध लड़ लो। तो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरे के युद्ध के बाद बाबर की मौत होती है। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। फिर से अब एक नया शासक आपके सामने आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा में
आपने पूरी तरह से इस बात का पूरा आनंद लिया होगा कि किस तरीके से मुगल शासन की स्थापना होती है और किस तरीके से बाबर अलग अलग युद्धों के माध्यम से अपनी रणनीति के तहत भारत में साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अगली क्लास में हम हुमायूं के बारे में जानेंगे। कल बैंकिंग की क्लासेस है, बैक टू बैक, उसे मिस मत करिएगा। फरवरी से हमारा नया बैच आ रहा है, टारगेट प्रीलिम्स 2022, और इस समय आज यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जाएगा। फीस इंक्रीज होने वाली है, एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई फ्री क्लास देखनी हो, टेस्ट सीरीज देनी हो, या फिर कोई भी आपके आसपास में अनअकैडमी से जुड़ रहा हो, तो एमके लाइव रिफर कोड उन्हें जरूर सूचित करिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ क्लास के ठीक बाद आपको मिल जाएगी, आप बस 15-20 मिनट का इंतजार करिए और मुझे कमेंट्स करके जरा बताइएगा प्लीज कि आज की मुगल काल की क्लास आपको कितनी मजेदार लगी। पुराने किसी भी क्लास से आप कंपेयर जरूर करिएगा कि सर इस क्लास में मुझे बिल्कुल वैसा ही मजा आया जैसे कभी आपने पॉलिटी की क्लास करवाई थी या सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास कराई थी या दिल्ली सल्तनत की, जियोग्राफी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की। मैं चाहूंगा कि मुझे जरा पता चले कि पुरानी कक्षा और इस कक्षा में किस तरीके की समानता को आप देख पाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।